सिंघिया में आशा कार्यकर्ता का आज 16वां दिन धरना प्रदर्शन जारी रहा। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड क्षेत्र के आशा कार्यकर्ता का आज गुरुवार के दिन 16वां दिन धरना प्रदर्शन कार्यक्रम जारी रहा है। इसमें आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि सरकार हम लोगों का 9 सूत्री मांग पूरा नहीं करती है तो आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में महंगा पड़ेगा। वहीं कुरियर वाले लोग भी अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बताते चले कि अनिश्चितकालीन धरना के तहत धरना प्रदर्शन कर रहे आशा कार्यकर्ता और कुरियर वालों ने बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर अपनी अपनी भड़ास निकाले हैं। आप लोग को जो अनिश्चितकालीन हड़ताल का क्या अभी तक लग रहा है? आज 15 दिन हो गया है, 12 तारीख से चल रहा है। कौन कौन लोग इसमें अभी तक शामिल है? आशा, कुरियर, आशा फैसलेटर। सरकार की तरफ से क्या आश्वासन अभी तक मिला? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, इसीलिए धरना प्रदर्शन चल रहा। क्या उम्मीद कर रहे हैं? अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है इस सरकार से। यह बहरा सरकार है, गूंगा सरकार है, न कुछ बोलता है न कर रहा है। फिर तो लोकसभा चुनाव में भी 24 साल में चुनाव होने वाला है, 23 है, फिर आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? उसी का विरोध हम लोग करेंगे चुनाव में। जिंदाबाद।